नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सिंह आप सभी का चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट शुरू किया हुआ है। आरओ और एआरओ के लिए ये मैथ है। क्वेश्चन मैंने पहले लिख दिए हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के भी हैं इसमें, तो मैंने क्वेश्चन ये लिख रखे हैं और इनका सोल्यूशन। इस तरह हम आपको और भी आगे प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे, तो आप इसे बेहतर और ध्यान से देखें, इनसे 100% आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम एक एक क्वेश्चन शुरू करेंगे और एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे। देखिए इधर, एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 10% घटा दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए मित्रों, इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए दोस्तों, इसके लिए एक छोटा सा रूल होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुड़े वाई और बटे में 100। मित्रों, जब 2% की तुलना करना हो तो ऑलवेज आपको एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुड़े वाई बटे 100 का प्रयोग करना होगा। मित्रों, अगर वृद्धि है तो वैल्यू प्लस में और कमी है तो वैल्यू माइनस में। यहाँ देखिए, आयत की लंबाई को बढ़ाया गया था दोस्तों, तो बढ़ाने का मतलब प्लस में, तो रखते हैं एक्स की वैल्यू मैंने प्लस में रखा तो आपका 20। दूसरा क्या है, 10% घटा दिया गया तो -10 और प्लस एक्स का मान 20, वाई का मान -10 और बटे 100। दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 10 आ गया और यहाँ प्लस माइनस का गुणा माइनस आएगा, 0 0 कैंसिल, 2 8%। एक बात और मित्रों, अगर आपका उत्तर पॉजिटिव आया तो वृद्धि ऑब्लिक लाभ होगा और अगर निगेटिव आया तो हानि ऑब्लिक कमी होगी। तो दोस्तों यहाँ 8% की वृद्धि होगी। तो मित्रों ध्यान रखिए कि 2% का तुलना करना हो तो एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। आप एक्स की वैल्यू, वृद्धि है तो प्लस में रखें और कमी है तो माइनस में। तो जो पहले क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 8% की वृद्धि। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, बस यहाँ हमने अंक को चेंज कर दिया। एक पहिए की रेडियस दी है 7 सेंटीमीटर, कहता है यह पहिया 500 चक्करों में कितनी दूरी तय कर लेगी। तो मित्रों आपको ये पता होना चाहिए कि एक चक्कर में चली दूरी बराबर जितना पहिए की गोलाई होगी अर्थात पहिए की परिधि। ठीक है दोस्तों, क्यों पहिए की परिधि, जितना पहिए की परिधि होगी उतना ही वो पहिया एक राउंड में चलेगा। तो दोस्तों पहिया वृत्ताकार है तो इसकी परिधि होगी आपका 2πr। मित्रों तो 2π का मान 22/7 और त्रिज्या आपको दी गई है 7, तो 7 और 7 कैंसिल हो गया। तो एक चक्कर में चली दूरी 22 × 44 मीटर। लेकिन दोस्तों वो कहता है 500 चक्करों में चली दूरी। मेरे दोस्तों आप बेहतर जानते हैं कि अगर एक चक्कर में 44 मीटर तो 5 चक्कर में गुड़े 500 हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने हल कर लिया, 2 0 5 4 20 इतना मीटर आया। इसे अगर आप किलोमीटर में बदलना चाहें दोस्तों तो 1000 से भाग दे देंगे। क्यों देंगे, आप जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो दोस्तों
आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर आया 22 किलोमीटर। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एक चक्कर में चली गई दूरी जो होगी वो पहिए की परिधि होगी। पहिया वृत्ताकार है इसलिए परिधि होता है 2πr। दो, पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपको 7 पता है, सॉल्व किया। एक चक्कर में वो पहिया चलता है 44 मीटर, तो 500 चक्कर में चलेगा 22,000 मीटर। तो दोस्तों 22,000 ज़्यादा है तो किलोमीटर में बदल लीजिए। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन लिखा गया है, उसे देख लें तो मैं आपको सॉल्व कराऊं। दोस्तों लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, एक घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 384। दोस्तों 384 वर्ग मीटर है, तो आपको याद होना चाहिए कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, दोस्तों घन की सारी भुजाएं बराबर, सारी सतह बराबर, तो 6 वर्ग बनेंगे, इसलिए 6 भुजा का स्क्वायर। तो मित्रों 6 भुजा का स्क्वायर बराबर दिया है 384। दोस्तों भाग दे दो, 6 6 36, 6 4 24, तो केवल भुजा बराबर इस पर रूट लग जाएगा मित्रों, तो आपकी भुजा आ गई 8 मीटर सेंटीमीटर, जो दिया हो, मीटर है तो मीटर। अब इसका आयतन, दोस्तों घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, तो 8 का क्यूब, 8 28 64, 64 8 8 4 32, 8 6 48, और ठीक है, तो इसका उत्तर आ गया घन मीटर। आयतन हमेशा घन मीटर में क्योंकि 3 भुजा, और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में क्योंकि 2 भुजा। तो मित्रों इसका उत्तर आ गया 512 घन मीटर। दोस्तों आपको ये भी समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, आप तब तक प्रश्न पढ़ लें, हम इसे साफ कर देते हैं। दिया है दोस्तों 4th question, एक पिता की आय पुत्र के आय की 3 गुनी है। तो देखो बेटा, वर्तमान में जो पिता है वो पुत्र की आय का 3 गुना है, इसे आप रीजनिंग में भी पढ़ सकते हैं, जो पिता है वो पुत्र की आय का 3 गुना, अर्थात जब पुत्र x का तो पिता 3x। देखिए बेसिक बता रहे हैं एकदम। कहता है 5 वर्ष बाद, तो दोस्तों 5 वर्ष बाद जो पिता होगा वो 3x+5, क्या पुत्र बैठा रहेगा, वो भी तो बढ़ेगा, x+5। प्रश्न पर एक बार ध्यान दे लें आप लोग, प्रश्न कहता है कि 5 वर्ष बाद पिता पुत्र की आयु के 5 गुना, पुत्र की आयु का 5 गुना पिता की आयु के 2 गुने के बराबर होगा, तो आप पिता की आयु का 2 गुना कर लीजिए और पुत्र की आयु का 5 गुना, दोनों आपके इक्वल हो गए, 2 3 6x और +10 = 5x+25। दोस्तों इसको इधर लाएंगे तो घट जाएगा और इसको उधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, x बराबर आ गया 15। तो पिता की वर्तमान उम्र पूछा है, पिता की वर्तमान उम्र है 3x और पुत्र की वर्तमान उम्र है x, तो x की वैल्यू 15 वर्ष, अर्थात पुत्र 15 साल का है और पिता 15 3 45 वर्ष का है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, ये तीनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए हैं, तो मैंने तीनों का उत्तर बताया। तो दोस्तों इसमें पिता की उम्र हो जाएगी, पिता की उम्र होगी 45 वर्ष और आप पुत्र की उम्र होगी 15 वर्ष। तो देखिए दोस्तों बहुत ही आनंद आ रहा होगा, ऐसे ही क्वेश्चन आरओ यारओ में आपके आते हैं। अब आप जरा 5वें क्वेश्चन पर रुक करिए,
तब मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन क्या है, √2 √2 √2 लिखा गया है चार बार। तो दोस्तों देखिए, सबसे सरल तरीका, मैं पहले इसका बेसिक समझा दूं, फिर आपको इसका लॉन्ग मेथड भी समझा देता हूं। दोस्तों आप मान लीजिए x बराबर ये दिया है, तो दोस्तों इसका दोनों पक्षों का आप वर्ग करिए, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, मित्रों जब वर्ग करेंगे तो ये x स्क्वायर 2 हट जाएगा, बाकी 3 पर करणी अब भी ऐसे ही बैठी रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब आपको एक बार पुनः वर्ग करना है तो ये हो जाएगा x 2 का वर्ग 4, यहां 2 पर लगेगा 2, ये 2 खुल गया, 2 और बैठे हैं, तो दोस्तों पुनः वर्ग, जब तक रूट हट ना जाए तब तक वर्ग आपको करना है। तो ये x का 8, ये 2 का 2 और इसका वर्ग 4, 2 पर 2 ये खुल गया, 1 बचा, एक बार और वर्ग कर लीजिए। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन है। 16, 2 का 8, 2 का 4, 2 का 2 और 2 का 1। तो मित्रों x की पावर 16 बराबर 2 की पावर, जब आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, 8 4 12 2 14 1 15, तो x बराबर 2 की पावर 15/16। तो इसका उत्तर आया 2 की पावर 15/16। लेकिन दोस्तों आपको इसकी जरूरत नहीं है, मैं आपको बेहतरीन दूसरा टाइप बताता हूं जिससे आप तुरंत कर पाएंगे। आप एक छोटा सा सूत्र रट लीजिए, a 1 - 1/2 की पावर n। a क्या है, जो यहां अंदर लिखा गया है 2, 1 - 1/2 की पावर, ये संख्या जितनी बार आई 1 2 3 4, तो यहां 4 लगा दो दोस्तों, तो 2 की पावर 1 - 1/2, 2 का 4 बार गुणा करें 16 आ जाएगा। मित्रों ये आ गया 2 की पावर 16, 1 के 16 में से 1 गया, तो 15/16। तो ये आपका शॉर्ट रूल है, ए जो संख्या लिखी है, यन जितनी बार ये संख्या आई है। तो मित्रों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। जरा छठवें पे रुक करिए, आप क्वेश्चन देखिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं। छोटा सा क्वेश्चन है कि 1/2 किसके समतुल्य है। आइए दोस्तों, आपके दिमाग में आता है कि 50, गलत बेटा, अगर प्रतिशत हटाना हो तो हमेशा 1/100 से गुणा करना, और अगर प्रतिशत वापस लाना हो, लगाना हो, तो 100 से गुणा करना दोस्तों। तो 1/2 प्रतिशत बराबर 1/2, प्रतिशत हटाना है तो 100 का गुणा मित्रों, तो 1/200, और आप भाग देंगे तो 0.005। यदि भाग नहीं दे पा रहे हैं तो देखिए दोस्तों, 0.0 कम है, 0 कम है, 0 कम, अब बराबर 2 5, तो आपका इसका उत्तर आया 0.005। मित्रों इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो एक बार 7वें क्वेश्चन पर आप रुक कर लें, 7वां क्वेश्चन देख लें दोस्तों। दिया है 1+2, एक सीरीज दी है 50 तक, उसके बाद सीरीज को पलट दिया गया है दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर 1+2+3+... किसी संख्या के बाद ये पलटने लगे दोस्तों, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर आपका उत्तर होता है दोस्तों। तो 50 सबसे बड़ा है, इसमें देखिए 50 बड़ा है, तो 50 का स्क्वायर आपका आ जाएगा दोस्तों 2500। 50 का स्क्वायर आपको 2500 मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, ये 7ों क्वेश्चन आप कितनी जल्दी कर पाए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब इसके बाद हम आपको 8वें क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है आपका,
क्या है, हम आपको पहले दिखा देते हैं कि आठवां क्वेश्चन है क्या, उसके बाद हम आपको सॉल्व कराते हैं। तो एक बार आप आठवां क्वेश्चन पढ़ लें। लिखा हुआ है, अविनाश अपनी आय का 20% मकान पर, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। इसके बावजूद 4800 रुपया बचाता है। तो दोस्तों, हम लोगों के अंदर एक भ्रम पल जाता है कि कैसे करें। ये तो बड़ा सा क्वेश्चन है। कुछ नहीं दोस्तों, आपको करना है 100 upon 100 minus x, 100 upon 100 minus y, 100 upon 100 minus z, ……… m मतलब बचत। यही आप पढ़े हैं, ठीक है। हम आपको एक अलग तरीका बताते हैं। आप 20% को भिन्न में बदलिए तो 20/100 होगा दोस्तों, 1/5 होगा। और आप जब 40% को बदलेंगे तो 40/100 होगा दोस्तों, तो ये होगा 2/5। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पूरे मैथ के आय और व्यय के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, अगर शेष शब्द दिखाई दे तो हमेशा आपको करना है, मैं लिख दे रहा हूं, आप इसे नोट जरूर कर लेना, 1/2 का अंतर। दोस्तों आप ये समझिएगा, इस चिन्ह का मतलब है जो बड़ा है उसमें से आपको छोटा घटाना है। लेकिन शेष शब्द होना चाहिए, शेष नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। अब देखिए, हर को ऊपर लिखना है तो 5 ऊपर लिख लो, दोनों का अंतर तो 5 - 1 गुणे, ये देखो इसका 2/5, 5 ऊपर और 5 - 2 गुणे जितना इसने बचाया, तो इसने बचाया 4800। दोस्तों बेहतरीन रूल आपको बताया हूं, बस आप इसे पढ़ें। दोस्तों 3 × 12 × 48 = 400, तो 50 × 25 = 100, तो उस व्यक्ति की आय थी 10,000 रुपया। मित्रों, कहीं भी शेष शब्द मिल जाए तो इनसे आपको काम चलाना होगा। पहले अब देखिए इसका फायदा, अगर जैसे दे देता 2/3 खर्च करता है, 3/4, तो भी हम इसका उपयोग कर लेते। बाकी बुकों में ढेर सारे कई रूल दिए हैं, उनसे आपको कोई मतलब नहीं। अब देखिए दोस्तों, आपका ये भी क्वेश्चन मैंने करवा दिया तो मैंने इसे साफ कर दिया, ठीक है, आपको भी आसानी रहेगी, मुझे भी जगह मिल जाएगी। अब इसे ध्यान से देखना, एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक की 7,000 कॉपी बनवाया, तो 7,000 प्रतियों का लागत बनवाने में खर्च आया 70,000 रुपया, ठीक है। 200 कॉपी फ्री में बंटवा दिया, 400 कॉपी 2,000 में से फ्री में बंटवा दिया, तो बची कितना, 1,600 प्रतियां, और इन्हीं का विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। कहता है किताब पर लिखा गया दाम है 75 रुपया। दोस्तों मैंने किताब पे लिखवा दिया कि आपके बुक का जो रिटर्न प्राइस है वो है 75 रुपया, और मैं इस पे बेचूंगा छूट देकर 30%। तो दोस्तों 75 की चीज है, 30% छूट का मतलब हो गया 70/100। दोस्तों 25 × 75 = 100 कर लीजिए, तो ये आ गया 210/4, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20। मित्रों एक किताब बेचेगा 52.50 रुपये का, ये मैं मिटा दे रहा हूं मित्रों, तो 1600 किताब कितने का बेचेगा, 1600 × 52.5 बराबर ये बिकेगी 84,000। जब आप गुणा करेंगे, बेटा खरीदा 70 में और बेचा 84 में, तो उसे लाभ हुआ कै हजार रुपए का, 14,000 का। लाभ प्रतिशत बराबर होता है दोस्तों लाभ बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना पड़ा था और गुणे 100, तो 14 × 5 = 70, 5 × 2 = 100, तो मेरा उत्तर आ गया 20%।
मित्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखिए हम अगले क्वेश्चन पर रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पढ़ लीजिए। एक संख्या में उसी संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ने पर यह प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपको आदत पड़ी है, x मानते हैं उसका 16 सही 2/3 निकालेंगे जोड़ेंगे। गलत। आप देखिए बेस एकदम आसान, 16 सही 2/3% का मतलब इसका इसमें गुणा होता है, ये आपका जोड़ा जाता है 50/3। दोस्तों प्रतिशत हटाना है तो 1/100 से गुणा कर दीजिए, आ गया 1/6। दोस्तों अगर आप प्रतिशत पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने पर हर उसका वास्तविक मान और अंश वृद्धि अथवा कमी होता है। तो मूल संख्या जो है वो है आपकी 6। मूल संख्या कितनी है? 6। जब वो जोड़ने को कहे तो अंश और हर को जोड़ दीजिए, तो 7 इकाई बराबर उसने दिया है 2128। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो 1 इकाई बराबर 2128/7, इसलिए मूल संख्या माने हर, संख्या मतलब हर, तो 6 इकाई बराबर 2128/7 × 6, तो 7 × 21 = 04, 6 × 18 = 24, 1824. मित्रों एक बार इसको फिर से बताना चाहेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, हर की वैल्यू निकालना, ये अनुपात है तो x के रूप में यूनिट, 6 यूनिट का मान निकालना है, जोड़ने को कहे तो ऊपर नीचे जोड़ दीजिए, 7 यूनिट बराबर इतना तो 1 बराबर इतना तो 6। हमेशा याद रखिए मान हमेशा हर का ही निकालना होगा, ठीक है दोस्तों। अब आइए एक क्वेश्चन पर और चलते हैं। दोस्तों कहता है एक किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 15। अब देखिए आप बेसिक वाली आदत छोड़िए, 1/12 = 1/15, नहीं दोस्तों, इसका लासा टोटल कार्य होता है। देखिए बेहतर चीज बता रहा हूं, तो इसका लासा हो गया 60, कुल कार्य आ गया 60। ये 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 12 से 60 को भाग दे दीजिए 5, 15 से 60 को भाग दे दीजिए 4। तो मित्रों दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे कितना? 9। ध्यान रखिए इसने 5 काम किया, इसने 4 काम, तो दोनों मिलकर 9 काम किए, और तो टोटल काम करना है 60, तो कई दिन में करेंगे? यदि आप एक दिन में 9 काम करते हैं तो 60 दिन में 60/9, ये हो गया 20/3। दोस्तों 6 सही 2/3 दिन, या आप कर सकते हैं 1/12 + 1/15, ये हो गया 60, 12 × 5 = 60, 15 × 6 = 60, 9/60, ये हो गया 3/20, एक दिन का काम, तो पूरा काम 20/3। लेकिन दोस्तों ये रूल पूरे वर्क टाइम में काम करेगा, इसलिए मैंने आपको बताया। अब देखिए मित्रों आज के इस प्रैक्टिस का लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आप देख लीजिए। इकाई यूनिट नंबर यूनिट प्लेस 23 × 2829 × 27 × 475 × 87 × 485। दोस्तों इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए, नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, घातांक को 4 से भाग देना है, तो पूरे को मत दीजिए, केवल 29 को दीजिए, जो शेष बचे तो शेष 1 बचा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा क्यों पूरे को नहीं, आप पूरे को देंगे तो भी शेष वही बचेगा जो अंतिम 2 अंक का, गुणे जो शेष बचे उसे इस पर घात लगानी है। फिर से बता रहे हैं, घातांक को 4 से भाग दीजिए, जो शेष बचे उसे इसके इकाई पर घात लगानी है। अब वही काम यहाँ करना है, 25 को आप भाग देंगे 4 से तो 1 बचेगा, 1 बीच में चिन्ह गुणे का दोस्तों, तो गुणे 85 को भाग देंगे 4 से तो इसमें भी देखिए संयोग से शेष 1 ही बचेगा,
तो यहाँ 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 × 8 × 7, 3×8 = 24। दोस्तों हम इकाई पढ़ रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं, 4×7 = 28 इससे मतलब नहीं, तो हमारा उत्तर आ गया 8। तो मित्रों हम आपके लिए और भी प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, इससे बड़े प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। ये मैंने आपको पहला प्रैक्टिस सेट दिया छोटा, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए थे उनमें से कुछ और कुछ अलग से, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है। हम आपको और भी ढेर सारे प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, ARO, RO, मंडी परिषद, CGL, 10+2 सबके आपको मैथ के या अन्य सब्जेक्ट के पेपर आपको मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला बहुत जल्द ही मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।